ही पिछला रिकॉर्ड तोड़कर नया अध्याय लिखा है। इस बार 2022 में इंटर की कॉपियों के मूल्यांकन के मात्र 19 दिन के अंदर ही रिजल्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने 1 से 14 फरवरी तक इंटर की परीक्षाओं का आयोजन किया था। इस बार परीक्षा में 13,46,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। बोर्ड ने सभी कॉपियों की जाँच करने के बाद टॉपर के इंटरव्यू वेरिफिकेशन, मार्क्स संकलन जैसे सभी कार्यों को निपटा लिया था और अब रिजल्ट जारी कर। दोस्तों, बिहार बोर्ड बीएसपी यानी मैट्रिक 10 क्लास जो है अब जो है रिजल्ट जारी करने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि इसने जो है इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट हुआ था वो काफ़ी अच्छा हुआ है और काफ़ी कम समय में हुआ है। जी दोस्तों, अब जो है जो छात्र हैं वो क्लास 10 के छात्र जो है अब जो है इंतज़ार कर रहे होंगे, इंतज़ार कर रहे हैं कि होली भी ख़त्म हो चुकी है, अब जो है जल्द से जल्द जो है क्लास 10 का भी परिणाम आने वाले हैं। जी दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अगर खबर की माने तो आप देख सकते हैं कि आज नवभारत टाइम्स में जो अपडेट किया गया उसमें देखिए तो परीक्षा 2022 का परिणाम घोषित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है बिहार बोर्ड। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट बिहार बोर्ड ऑनलाइन डॉट बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन या ऑनलाइन बी एस ई बी डॉट इन पर जाकर अपना स्कोर कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर इंटर का आया था रिजल्ट वहीं पर आपका 10th का भी रिजल्ट आने वाला है। क्या दोस्तों, किस वजह से देरी हो रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देरी जो हो रही है क्योंकि एक जो है एग्ज़ाम था बिहार बोर्ड का जो पेपर जो लीक हो गया था, उस वजह से जो है देरी हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वजह से देरी हो रही है। ठीक है दोस्तों, एक पेपर लीक हो गया था मैथ का, गणित का पेपर रद्द हो गया था, उसकी वजह से देरी हो रही है। दोस्तों, बिहार बोर्ड पटना ने मैट्रिक कक्षा 10 परीक्षा 2022 का परिणाम घोषित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीएसपी इस महीने 10वीं का रिजल्ट जारी करने के लिए तैयार कर रहा है। हालांकि बोर्ड की ओर से अभी तक रिजल्ट जारी करने का तारीख और समय जो है वो आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से एक हफ्ते के अंदर में जो है ये 10वीं का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि बोर्ड जो है काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है इसमें और जो है टॉपर्स वेरिफिकेशन भी होगा अभी और ये भी स्टार्ट होने वाला है आजकल के आज या कल में। तो अब देरी क्यों हो रही है, मैंने आपको शुरू में बता दिया कि क्योंकि पेपर लीक हो गया है तो उसका भी जो है काम करना है, तो इस वजह से नहीं आया करूँगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए।